परिवार की बर्बादी का हो रहा है लाइव टेलीकास्ट। गौरा की साजिशों का खुल रहा है कच्चा चिट्ठा। गोपी कोकी विद्या मीरा के ऊपर लटक रही है मौत की तलवार। जी हां साथिया, में लीप से पहले का ये है महाड्रामा जो लेगा कईयों की जान, जिसके बाद होगी बड़ी उथल पुथल और बदल जाएगी साथिया की कहानी। अरे लीप मुझे खुद नहीं पता लीप का भी भाई मुझे नहीं पता, सीरियसली बताऊं तो अभी फिलहाल तो लीप के बाद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि लीप के बाद क्या होना है क्या नहीं होना, और मुझे भी नहीं पता लीप कब होने वाला। मुझे कंफर्म नहीं अभी तक कि लीप लेंगे कि या नहीं लेंगे, लेकिन अगर लीप लेंगे तो आई विश कि मेरा लुक और ज्यादा अच्छा हो, मैं और ज्यादा मॉडर्न लगूं। अरे भाई, अहम और परी को भले ही ना पता हो लेकिन सास बहू और बेटियां को सब पता है। दरअसल लीप की ओर कहानी कुछ इस तरह मुड़ेगी। अहम और गोपी की एनिवर्सरी पर गौरा कर लेती है कोकी गोपी विद्या और मीरा को किडनैप और अपने कारनामों की सीढ़ी भेजती है मोदी परिवार को। ये देखकर अहम गौरा की इस साजिश का गुस्सा धर्म पर उतार रहा है। बहुत सर, क्योंकि मेरी आज पूरी फैमिली किडनैप हो चुकी है और आपको पता है किडनैप किसने किए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर किसी इंसान की पूरी फैमिली किडनैप हो जाए तो, और ये भी पता हो किसने किया तो आप क्या करोगे। गौरा के इस साजिश का गुस्सा अहम उसके बेटे धर्म पर उतार रहा है, लेकिन आज धर्म अपनी माँ का नहीं बल्कि अहम और मोदी परिवार का साथ दे रहा है और उसने ये भी बताया कि गौरा ने सबको अपने गांव के मंदिर में किडनैप करके रखा है। फिर क्या था, गौरा के चंगुल से सबको छुड़ाने के लिए अहम धर्म और पूरा मोदी परिवार चल पड़ा। अहम जैसे बचाता है अपनी फैमिली को वैसे ही बचाएगा, मतलब जाएगा धार बन के, मतलब औलाद की जाएगा अपने अपने बच्चों को, बीवी को और माँ को बचा के। अहम अपने परिवार को तो बचा लेगा लेकिन इन सब के बीच अहम की हो जाएगी मौत। यही नहीं, इसी खंडर में धर्म की पहली पत्नी दुर्गा की भी मौत हो जाएगी। गौरा मीरा पर गोली चलाएगी लेकिन दुर्गा बीच में आ जाएगी और मर जाएगी। दुर्गा को मारने के जुर्म में गौरा चली जाएगी जेल। इस उथल पुथल के बाद शो लेगा 4 से 5 साल का लीप, जिसके बाद गोपी विधवा के अवतार में होगी, मीरा और धर्म की शादी हो जाएगी, विद्या का बच्चा 4 से 5 साल का दिखाया जाएगा और शायद गोपी की जिंदगी में नया साथिया भी आएगा। तो चलिए देखते हैं कि साथिया का यह नया ड्रामा क्लाइमैक्स तक कैसे पहुंचता है। अब देखिए जरा बिहाइंड द सीन का ट्विस्ट। ये कोई फिल्मी सीन नहीं जहां गोपी चक्कर खा के गिर गई है, ना ही ये सीन नकली है और ना ही गोपी को आया हुआ ये चक्कर। शूटिंग और कड़ी गर्मी के बीच देवुलीना यानी कि हमारी प्यारी गोपी बहू तालमेल नहीं बिठा पाई और हो गई धराशाही। तो इस मौके पर शो के ईपी गुड्डू जी ने गोपी को दिया सहारा। भाई गोपी अपना ख्याल रखिए, अभी तो बहुत सारे सीरियल्स और शादी का जोड़ा भी पहनना है। आकिब खान, मुंबई आज तक।